नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं लॉकडाउन को, और आपने देखा है कि आपकी अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त से दुरुस्त हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा ना तो लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मुश्किल से लगता है कि अब लॉकडाउन 4 के बाद सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाएगा। वैसे भी आप देख रहे होंगे ट्रेनें चालू कर दी गई हैं, आपकी हवाई उड़ानें चालू करने होने वाली हैं 25 के बाद, और आज तक यानी कि हम लोग 22 मई 2020 को बात करें तो आपकी 1,18,000 प्लस केस इंडिया में पाए जा चुके हैं। ठीक है, तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अब सरकारों ने सरकार है जो आपकी केंद्र सरकार है, इसने राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया सब, यानी एक तरह से आपके लॉकडाउन फेल हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिए, इसका फेल होने का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग तभी एक परीक्षा फेल होते हैं, कभी किसी कक्षा में फेल होते हैं, तभी तो दोबारा हम लोग पढ़ते हैं। जैसे लॉकडाउन अगर आपका सफल रहता तो लॉकडाउन सेकेंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर सेकेंड सफल रहता तो थर्ड जगह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि इसका मतलब सीधा सा है कि लॉकडाउन आपका फेल हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की कोई कमी रह गई थी, तो अब सरकार राज्यों पर छोड़ रही है, और राज्य क्या कर रहे हैं कि अब वो भी नॉर्मल अपनी स्थिति ला रहे हैं, उन्हें भी अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है, तो इसलिए वो भी अब नॉर्मल सब कुछ खोल रहे हैं। दिल्ली में सुनते हैं दुकानें खोलने लगी हैं, बसें बसें चलने लगी हैं। मुंबई में जहाँ सबसे ज़्यादा एक सबसे बड़ा हब है मुंबई कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों का, फिर भी उसे भी नॉर्मल खोला जा रहा है दुकानें पुकाने। तो यहाँ अब आपका जिम्मेदारी रहती है पंचायत तहसील स्तर पर, जो विधायक हैं आपके विधायक, उसके बाद आपका जिला स्तर पर, ये किस तरह से अपनी नई भूमिका निभा सकते हैं और कोरोना वायरस को एक सीमित समय में यानी कि खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि इसे कोरोना वायरस को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। अभी हम लोग आज ही बात कर रहे थे भारत में गरीबी के बारे में, पूरा NCERT का एक चैप्टर देखा हुआ है। तो भारत में गरीबी किसे कहा जाता है, जिनके पास खाने के लिए नहीं, और अमेरिका में गरीबी की परिभाषा क्या है, जिनके पास कार नहीं है उन्हें गरीब माना जाता है। समझ में आए, इसके बाद भी अमेरिका में कितने केस हैं अभी पता है आपको, 16 लाख प्लस, कितने 16 लाख प्लस, और मौतें कितनी हो चुकी हैं 96,270 आदमी कोरोना वजह की वजह से मर चुके हैं। हमसे जमीन आसमान का फर्क है, हम में और अमेरिका में, समझ रहे हो, तो वहां इतना गंभीर मुद्दा है फिर भी हमारे यहाँ कितने दिन रोक के रख सकते थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी बचाना जरूरी है। तो अब आपका पंचायत हो, जैसे आपने सुना होगा कि जो प्रवासी मजदूर से अब अपने घर घर लौटने लगे। अभी एक आपकी रिपोर्ट आई हुई है, कल ही न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि दिल्ली से जो मजदूर बिहार जा रहे हैं उनमें से 4 मजदूरों में से एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब एक कोरोना वायरस शहरों से अब गाँव की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप समझ सकते हैं कि गाँव में अगर पहुंच जाता है तो कितनी खस्ता हालत हो जाएगी हमारे देश की, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है, वहाँ इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को रख पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ आपके सरपंच हों, फिर चाहे सचिव हों, इस तरह के विधायक हों यानी कि जिसे आप लोग MLA कहते हैं, फिर आपके MP हों या फिर जिला स्तर पर हों, किस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि अब आप सोचिए कि वो शहरों से यानी कि मुंबई दिल्ली से वो आपके गांव में आ रहे हैं, तो वहाँ व्यवस्था आपका केंद्र सरकार डायरेक्ट आकर उन्हें क्वारंटीन या फिर उनकी टेस्टिंग नहीं कर सकती है, तो इसके लिए आपको क्वारंटीन की व्यवस्था किसे करनी होगी, या तो पंचायत को देखना होगा कि क्वारंटाइन किया जाए जो मजदूर आ रहे हैं। उसके बाद अगर जिला स्तर से बच जाते हैं तो विधायक यानी कि तहसील स्तर पर, उसके बाद अगर तहसील स्तर से भी बच जाते हैं तो पंचायत स्तर को इसमें जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है,
वरना हालत आप लोग समझ रहे हैं 6,000 के करीब आपके डेली केस निकल रहे हैं भारत में, और आप और भी बढ़ने की 100% चांस है। इसलिए चांस है क्योंकि अब एक गांव की तरफ भी बढ़ रहा है। तो हेनरी फोर्ड ने आने वाले बड़े संकटों के लिए कहा था कि कोई समस्या बड़ी नहीं होती है, बल्कि कई छोटी छोटी समस्याओं से मिलकर बनी होती है। क्या है सीधा सा मतलब? कोरोना वायरस एक बड़ी समस्या नहीं मान सकते इसे, लेकिन आप सोचिए कि अभी आपके देश में 1,18,000 के करीब केस हैं, ठीक है, 1 लाख मान लीजिए आप लोग सुविधा के जन लिए, लेकिन आप सोचिए कि अगर ये गांव में फैल जाता है, इसी तरह हर गांव की तरफ बढ़ जाता है, तो छोटी छोटी समस्याएं ही आएंगी लेकिन एक बड़ा रूप धारण कर लेंगी। और देश अभी भी मुसीबत से गुजर रहा है, लेकिन और बुरी तरह कंडीशन खराब हो जाएगी। भारत के लिए कोरोना के कुल मरीजों की संख्या ज्यादा हो सकती है, परंतु अगर उन्हें 300-730 जिलों में बांटकर देखा जाए तो इनका प्रबंधन आसान दिखाई पड़ता है। भारत को इसी तथ्य को केंद्र बिंदु बनाकर जिला प्रशासन को ही कार्रवाई के केंद्र की भूमिका दे देनी चाहिए। याद रखिए, अगर पहले से ही शुरू में, मेरा मानना है कि शुरू में केंद्र सरकार को मजदूरों को निकल जाने देना चाहिए था अपने अपने घर। उसके बाद शायद आपका लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए था, 2 महीना के 6 महीने लगा रहे थे, तो क्या है मजदूर अपने घर जाकर व्यवस्था करती रहता खाने की। और अब फैलने की वजह सबसे यही है कि प्रवासी मजदूर एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इनमें, क्योंकि आप देख रहे हैं गांव में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, कहाँ मास्क लगा के पहनेंगे, नहीं होगा ना ये व्यवस्था। और शुरू में जब 1, 2, 4 केस आए हुए थे, यानी कि 100-150, तो सब में फैला भी नहीं था, तो अगर ये गांव चले जाते तो शायद वहां सुरक्षित रहते। वहां आप लोग अगर पंचायतों, विधायकों और राज्यों की भूमिका निभाने, उनसे मिलकर काम करते, तो इससे आराम से निपटा जा सकता था। इसमें आप लोग साउथ कोरिया ले सकते हैं, वियतनाम ले सकते हैं, चीन को खुद ले सकते हैं। चीन जहां से पैदा हुआ था वायरस, वहां भी काफी कंट्रोल हो चुकी है स्थिति। वो तो अपनी अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाई देने के काम में लगा हुआ है, यानी कि सब नॉर्मल करके अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहा है चीन। हमें भारत को एक समरूप देश के रूप में नहीं देखना चाहिए, या ठीक यूरोपीय देशों की तरह की पद्धति अपनाता दिखाई दे रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों में कोरोना के मरीज कम ही बने रहेंगे, जबकि बाकी राज्यों में बढ़ते रह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि कोई आपका जिला है, तो वहाँ मजदूर मुंबई या कहीं भी शहर से, सूरत से आते हैं, गुजरात से आते हैं, तो पहले तो उसे जिला स्तर पर टेस्टिंग की जानी चाहिए, उन्हें क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। अगर वहाँ से वो मजदूर निकल जाते हैं, फिर आपको तहसील स्तर पर इससे निपटना चाहिए, यानी कि उन्हें तहसील स्तर पर क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। अगर वहाँ से भी निकल जाते हैं, तो आपको एक पंचायत स्तर पर इसे क्वारंटाइन करना चाहिए। समझ में आए? तो क्या होगा कि अगर पंचायतों को शामिल कर लिया, अगर पंचायत भी अपना दायित्व निभाती है, और अगर तहसील पर भी आपका अच्छे से अपना दायित्व निभाते हैं, विधायक अपना अच्छे से काम करते हैं, तो कोरोना कोई बड़ी समस्या नहीं है, इससे निपटा जा सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं, पंचायतों का काम आप लोगों ने देखा होगा, विधायकों का काम देखा होगा, कि जिन्हें रोड पर होना चाहिए वो घर में बैठकर रामायण महाभारत देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जिम्मेदारी निभानी होगी। और याद रखिए, मनरेगा जो सरकार ने 40,000 करोड़ के करीब दिए हुए हैं, तो इनके प्रति भी जागरूक करना चाहिए जनता को, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके, उनका काम चल सके। अब आप ही सोचिए, 20 लाख करोड़ कितनी राशि होती है, समझ में है? लेकिन कहाँ दिखाई दे रही? अभी हाल में जरूरत थी डायरेक्ट ट्रांसफर की, यानी कि हमें अभी डायरेक्ट पैसे की जरूरत थी, ना कि इन योजनाओं की। समझ सकता हूँ कि इन योजनाओं से आगे चलकर फायदा होगा, लेकिन आपका अभी करंट में हमें पैसे की जरूरत है, क्योंकि जो गरीब घर जा रहे हैं तो उन्हें पैसे की जरूरत है खाने के लिए, ठीक है। चलिए, सरकार का जो भी रहा हो स्तर, अगर आप समझ लीजिए, अगर आप पंचायत, तहसील, जिला स्तर पर अगर इन्हें व्यवस्था नहीं की गई, तो एक बहुत बड़ी महामारी बन जाएगी भारत के लिए। वैसे बनी हुई तो है ही, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी आपदा साबित हो। जिलों की हम लोग जिम्मेदारी कब रहे?
बात करें तो अब जबकि सार्वजनिक परिवहन की सीमित शुरुआत की जा रही है और विदेशों में फंसे नागरिकों को भी स्वदेश यानी कि भारत लाया जा रहा है, ऐसे में टेस्टर ट्रैक क्वारंटाइन की रणनीति को अपनाने की आवश्यकता है। रेल यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, इस स्थिति में जिला प्रशासन ही अपने क्षेत्र में आने वाले नागरिकों का रिकॉर्ड आसानी से रख सकते हैं। इनकी रिपोर्टिंग के लिए राज्य स्तर पर एक वॉर रूम तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आप लोग अभी कॉलेज स्कूल भी ले सकते हैं क्योंकि सभी स्कूल खाली पड़े हुए हैं, देखा होगा आपने, चाहे वो आपका ग्रामीण स्तर पर हो या फिर जिला स्तर या तहसील स्तर पर, तो आप लोग क्वारंटाइन के लिए उनका भी यूज कर सकते हैं, कॉलेज हो गए आपके, स्कूल हो गए, ठीक है। कर्नाटक मॉडल की तरह ही कोविड मरीजों के रियल टाइम डेटा को दर्शाने के लिए प्रत्येक जिले की टेस्टिंग ऐप बनाई जा सकती है। सरकार ने कर्नाटक मॉडल को अपनाया ही नहीं है, वरना काफी हद तक इसे सीमित किया जा सकता था। जिलों को चार पैमाने पर आंका जा सकता है, टेस्ट की संख्या, नेगेटिव टेस्ट की संख्या, मृत्यु, क्वारंटाइन मरीजों का संतुष्टि स्कोर। ये चार पैमाने ऐसे हैं जिनसे कोरोना मरीजों का जिलेवार सही डेटा मिलने से ही स्थिति संभल सकती है। क्या हो सकती है? स्थिति संभल सकती है, वरना आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। टेस्ट ट्रैक और क्वारंटाइन, प्रत्येक जिले को PCR मशीन के साथ दो टेस्टिंग केंद्र की सुविधा दी जानी चाहिए जिससे वो लोग वहाँ टेस्टिंग कर सकें। टेस्टिंग की संख्या के नियंत्रण के साथ ही जिले को एक मान्यता प्राप्त लैब से जुड़े रखा जाए। जिले में बाहर से आने वाले नागरिकों का रिकॉर्ड रखने के साथ ही उनके क्वारंटाइन की भी व्यवस्था की जाए। प्रत्येक जिले में कोरोना मरीजों के लिए एक अलग 200 बिस्तर वाला अस्पताल उपलब्ध कराया जाए जिसमें ICU और वेंटिलेटर की भी सुविधा हो। जिला प्रशासन भी सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके समस्त नागरिक स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों के साथ सहयोग करें। बड़े क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति से लोगों में आक्रोश है और असंतोष का भाव आ सकता है। कुछ 100 मीटर के हॉटस्पॉट को पहचान कर उसे सील करने की स्थिति में ऐसा नहीं हुआ, यह काम स्थानीय प्रशासन की ही सुचारू रूप से कर सकता है। अत्रो जिला प्रशासन को मोटे तौर पर दिशा निर्देश देते हुए स्थानीय स्थितियों के अनुसार रणनीति तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। राजस्थान के भीलवाड़ा की तरह ही अन्न सशक्तता जिला प्रशासन भी एक सफलता की कड़ी में जुड़ सकता है। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल आपने काफी सुना होगा, यहाँ सबसे ज्यादा केस बहुत केस हो रहे थे लेकिन जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जिले को सील कर दिया था। उसके बाद बड़े स्तर पर टेस्टिंग की गई, क्वारंटाइन किया गया लोगों को, उसके बाद काबू पा लिया गया। तो आप समझ सकते हैं इस व्यवस्था को। याद रखिए अभी तक शुरू में जब बाहर से ही लोग आए थे, बाहर से कौन लोग आए थे? जो आर्थिक स्थिति से संपन्न है यानी कि अमीर लोग, लेकिन ये अब गरीबों में पहुंच चुका है। और याद रखिए कोई भी आपदा हो अगर गरीबों को सबसे बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। अभी तक आपके 170 से 180 मजदूर मारे जा चुके हैं, किसकी वजह से? भूख, एक्सीडेंट यानी कि अपने घर जाने की के लिए इसी तड़प में। तो समझ सकते हैं आप लोग, एक बहुत बड़ी आपदा बनकर खड़ी हो सकती है अगर जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर स्थानीय प्रशासन ने सहयोग ना किया तो, ठीक। और आप लोग भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं क्योंकि एक आदत डाल लीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक इसका कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने बच्चों को मास्क दीजिए, उन्हें अच्छे से हाथ पैर धोला के जब भी खाना खाने जाते हैं या घर में प्रवेश करते हैं तो आप लोग उनकी सुरक्षा रखिए। आप भी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखिए क्योंकि सरकार ने अब छोड़ दिया आपको, चाहे आप मरो या जियो, सीधी सी बात। क्योंकि एक समय होता है, आपने देखा है कि लॉकडाउन 4 लगाने तक, उसके बाद लॉकडाउन 4 लगा, उसके बाद सरकार ने बिल्कुल ढील दे दी गई, फिर राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। अगर शुरू से ही राज्य सरकारों को लेकर चलते तो शायद इस पर काबू पाया जा सकता था।
वियतनाम को देख सकते हैं आप लोग और साउथ कोरिया को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया काम किया है सब। ठीक है, तो अपनी सेफ्टी आपको रखनी है और अपने बच्चों की। बाकी जब तक ठीक है जो होगा आगे देखते रहेंगे।